Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am going to cover the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This is the chapter of class plus 1 by CBSE board. So let's start with it. First of all, there are certain expressions given. Infer their meaning from the context. Infer their meaning from the context ka matlab hota hai ki inka jo meaning hai, niche diye gaye expressions ka jo meaning hai, wo aap according to the sentence, according to the context nikaliye. Aur wo hum tabhi kar payenge jab hum chapter ko read karenge. Theek hai? So chapter ko start karte hain. Sabse pehle खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल वैसी थी जैसी हर किसी की ग्रैंड मदर होती है. बहुत ज़्यादा ओल्ड थी वो. उनका फेस पूरा ओल्ड और रिंकल था और 20 ईयर्स से वो उनको देख रहे थे तो वो बिल्कुल सेम थी. उनमें कोई चेंज नहीं था. 20 ईयर्स से उनका फेस ओल्ड और रिंकल था. कहते हैं कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. कि लोग कहते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब वो जवान थी, यंग थी और प्रिटी थी. और उनका एक हस्बैंड भी था. लेकिन वो क्या कहते हैं, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन कहते हैं इस बात का बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो कभी जवान हुआ करती थी या ब्यूटीफुल हुआ करती थी या उनके पास हस्बैंड भी होता था. ऐसा खुशवंत सिंह इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें ये चीज़ इमेजिन करना मुश्किल है. उन्होंने कभी अपनी ग्रैनी को वैसे देखा नहीं है और क्योंकि स्टोरी पुरानी है तो मे बी शायद उन्होंने उनकी कोई जवानी के टाइम की कोई फ़ोटो भी नहीं देखी होगी उस टाइम जब शी वॉज यंग. तो वो इस बात को बिलीव नहीं कर पाते. अब वो कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनका जो पोर्ट्रेट है वो हंग हुआ हुआ है. हंग वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे हैंग वर्ड बताया है. हैंग हंग हंग टंगा हुआ है कहाँ पे, ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पे. ठीक है, वैसे तो मेंटल पीस हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इसका मतलब एक शेल्फ हो गया. वैसे अदरवाइज मेंटल पीस जो होता है वो फायर जो घर में हम जलाते हैं जहाँ पे ठंडे एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे घर में जहाँ पे फायर जलाई जाती है उसके ऊपर की जो शेल्फ होती है उसको मेंटल पीस बोलते हैं. तो वहाँ पर एक शेल्फ पे या एक शेल्फ के ऊपर, मेंटल पीस के ऊपर उनकी जो फोटो है वो लगी हुई है उनके दादाजी की. ठीक है, एंड वोर अ बिग टर्बन. वोर इज़ द वर्ड फ्रॉम वियर. ठीक है, वियर वोर वॉन पहनना. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, टर्बन पहनी हुई है और लूज फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं और उनकी वाइट बियर्ड है जो कि उनके चेस्ट तक का पार्ट जो है वो कवर कर रही है. इतनी लंबी बियर्ड है और ऐसा लगता है उनको देख के कि वो 100 साल के हैं. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, और वो भी किसी ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु हैड हैव अ वाइफ. कहते वो भी इस तरह के, सॉर्ट मीन्स काइंड, इस तरह के पर्सन नहीं लग रहे कि जिनकी कभी कोई वाइफ या बच्चे हो सकते हैं. उनको देख के ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे, ढेर सारे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं. यानी कि वो भी इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं. ठीक है, एज़ फॉर माई ग्रैंड फादर बींग यंग, As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब वो कह रहे हैं कि ये जो thought है कि मेरी grandmother कभी young थी कभी pretty थी, ये thought बहुत ही revolting है. revolting होता है जिसको हमारा मन मानने को तैयार ना हो, जिसके against हो. तो वो कहते हैं इस बात को मानने के लिए खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो कभी भी ready नहीं थे. कहते कि उनकी जो grandmother थी, often, often word British accent में हम इसे often कहते हैं और American accent में often कहते हैं, जिसका मतलब होता है ज़्यादातर. कहते कि ज़्यादातर उनकी ग्रैंड मदर उन्हें ये कहा करती थी कि जब वो बच्ची थी तो वो ये वाली गेम्स खेलती थी या वो वाली गेम्स खेलती थी. तो वो कहते, खुशवंत सिंह कहते कि ये चीज़ को भी बिलीव करना उनके लिए वियर्ड था. दैट सीम क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. कि ये बहुत ही एब्जर्ड यानी अजीब लगता था उन्हें जब वो ये कहती थी कि हम भी गेम्स खेला करते थे. और अनडिग्निफाइड होता है अनरिस्पेक्टफुल, नॉट रिस्पेक्टफुल एट ऑल. क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो मेरी ग्रैनी है, ये तो इतनी एज की हैं, ये छोटे बच्चे वाली गेम्स कैसे खेल सकती हैं. वो उन्हें यंग या छोटे बच्चे के रूप में इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे. वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉपेट्स शी यूज टू टेल अस. वो कहते कि हमें वो सिर्फ एक फेबल्स लगा करती थी, यानी कहानियाँ लगा करती थी, फिक्शनल कहानियाँ लगा करती थी जो प्रॉपेट्स जो होते हैं वो सुनाते हैं. ठीक है, या को एक दूसरे को आगे के आगे जो सुनाई जाती है. मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगता था, वो बिलीव नहीं करते थे उनकी बातों पर, उन्हें सिर्फ फेबल्स समझते थे. ठीक है, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर कहानियाँ नहीं समझते थे, फेबल समझे जाते थे जो कि प्रॉपेट्स या किसी संत ने या किसी गुरुओं ने आगे के आगे किसी को सुनाई हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से आगे पता चली हैं. लेकिन वो इन्हें बिलीव नहीं करते थे कि मेरी ग्रैनी कभी छोटी बच्ची थी और गेम्स खेला करती थी या कभी यंग थी या प्रिटी थी. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट. अब ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर की. ठीक है, कि वो शॉर्ट हाइटेड थी, फैट थी,
और स्लाइटली बेंट, यानी कि बैक जो उनकी थी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी आगे की तरफ, बेंट होना झुके होना, स्लाइटली होता है थोड़ा सा। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब उनका पूरा जो फेस था वो रिंकल से भरा पड़ा था, क्रिस क्रॉस लाइन्स थी उनके पूरे फेस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। राइट नाउ वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड नोन हर। सर्टन का मतलब होता है श्योर, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे सर्टन का मतलब श्योर है, वैसे तो इसका मतलब सम भी होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे श्योर है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि हमने तो हम श्योर थे कि हमारी जो ग्रैनी है वो बिल्कुल ऐसी ही थी हमेशा जैसी हमने उसे देखा है, उन्हें वो कभी भी डिफरेंट नहीं लगी, ना ही वो उसे कभी डिफरेंटली इमेजिन कर पाए। अब वो कहते हैं कि वो बहुत ओल्ड थी, टेरिबली ओल्ड थी, हद से ज़्यादा ओल्ड थी, और इससे ज़्यादा ओल्ड वो हो नहीं सकती थी जितनी वो थी, वो पिछले 20 साल से सेम ही थी, ठीक है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि वो कभी भी प्रिटी नहीं थी। प्रिटी होता है हमारी फिजिकल आउटर लुक जो है उसके लिए बोला जाता है, और ब्यूटिफुल होता है जिसका दिल सुंदर हो उसके लिए भी बोला जाता है। अब आई नो हम ब्यूटिफुल वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ कर लेते हैं जो सिर्फ बाहर से दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए वर्ड प्रिटी होता है, जो फिजिकली दिखने में ज़्यादा सुंदर है, हमें उसके मन का नहीं पता है लेकिन फिजिकली देखने में सुंदर है तो हम उसे प्रिटी कहते हैं, और कोई इंसान मन से बहुत अच्छा है तो हम उसे ब्यूटीफुल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी ग्रैनी कभी प्रिटी थी ये मानना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी, यानी कि वो मन की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शी हॉबल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। होबल्ड अबाउट मीन्स घूमते रहना, कहते कि वो सारा दिन वॉकड विद लिटल डिफिकल्टी होता है, वैसे इसका मतलब होबल्ड का, क्योंकि हमने बताया कि वो काफ़ी बूढ़ी है और ठीक है थोड़ी बेंट भी है उसकी बैक एरिया, थोड़ा बेंट होके चलती है, तो पूरा दिन चाहे वो थोड़ा धीरे धीरे चलती है होबल्ड करती है लेकिन घर में घूमती रहती है। और स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहने होते हैं उसने, और उसका एक हाथ जो होता है वो उसने अपनी वेस्ट यानी कमर पर रखा होता है, ताकि वो जो अपना स्टूप है, स्टूप क्या होता है, जो जो कमर हम जिसकी झुकी होती है उसके लिए वर्ड स्टूप यूज़ होता है, तो अपने स्टूप को बेंट बॉडी जो हो जाती है ड्यू टू ओल्ड एज उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ वो अपने कमर पे रखती है और सारा दिन घर में चलती फिरती रहती है, और दूसरे हाथ से वो क्या करती है कि उसकी जो माला है रोजरी हम बोलते हैं जिस माला के ऊपर हम नाम जपते हैं भक्ति करते हैं, उस माला के जो बीड्स यानी कि मोती हैं, ठीक है, रोजरी उस हम माला को बोलते हैं, फाइन। तो वो माला उसने एक हाथ में पकड़ी होती है और उसके जो बीड्स हैं उनके ऊपर वो सारा दिन चलते फिरते मंत्र जाप अपना जो है वो करती रहती है। उसके सिल्वर लॉक्स हैं यानी कि उसके सिल्वर कलर के बाल हैं, लॉक्स यहाँ बालों को बोला गया, वो स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए हैं, अनटाइडीली, अनटाइडीली क्या होता है कि जो नीट एंड क्लीन ना हो, तो नीट एंड क्लीन तरह से उसकी जो कॉम्ब है वो नहीं हुई होती, तो उसके बाल जो हैं सिल्वर कलर के हैं यानी कि ग्रे हेयर है, वो सारा टाइम उसके फेस के ऊपर बिखरे रहते हैं। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, ठीक है, पेल होता है हल्का पीले रंग का जो फेस है, एंड पकर्ड मीन्स रिंकल्ड, अगेन पकर्ड वर्ड का मतलब रिंकल फेस के है, और उसके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इन ऑडिबल प्रेयर। इन ऑडिबल प्रेयर मीन्स जो हमें सुनाई ना दे, किसी को सुनाई ना दे, मतलब वो अपने मन में प्रेयर करती है लेकिन उसके लिप्स हिलते हैं, और उसके हाथ में माला पकड़ी हुई है जिसपे वो सारा दिन मंत्र बोलती रहती है, पर वो मंत्र किसी को ऑडिबल नहीं है, इन ऑडिबल है, सुनता नहीं है। कहता यस शी वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि हाँ वो सच में ब्यूटिफुल थी, यानी मन की बहुत अच्छी और साफ सुथरी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब यहाँ पे उन्होंने सिमिली यूज़ किया है अपनी ग्रैनी को विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स के साथ कंपेयर कर दिया, जैसे विंटर में माउंटेन्स के ऊपर बर्फ पड़ी होती है उसके साथ कंपेयर कर दिया। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ठीक है, अब वो कहते हैं कि पूरा एक्सपेंसेस फैला हुआ, प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी होता है अपना जैसे हम बोलते हैं काम एंड पीसफुल, ठीक है, तो कहते हैं कि वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काम है, पीसफुल है, पूरा दिन अपने काम डोमेस्टिक चोर्स करती रहती है और साथ के साथ अपनी माला जपती रहती है, तो उसको उनको कंपेयर कर दिया गया है विंटर लैंडस्केप के माउंटेन्स पे जिनके ऊपर प्योर वाइट जो बर्फ है वो एक्सपेंस यानी फैली होती है और कामनेस और पीसनेस जो है वो
शो करती है। इन अ सिमिलर वे दैट लेडी इज़ वेरी काम, वेरी पीसफुल एंड वाइट कपड़े पहनती है, तो कंपेयर कर दिया गया है। ब्रीदिंग पीसफुल एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सारा दिन वो घूमते फिरते खुशवंत सिंह को ऐसी लगती है कि जैसे वो एक शांति की मूर्त होती है, पीसफुल है बहुत ज़्यादा, और अपनी लाइफ से शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सेटिस्फाइड। ना वो आगे कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है और मैं हूँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब उनके, खुशवंत सिंह जी के जो पेरेंट्स हैं, वो शहर चले जाते हैं रहने के लिए और खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैनी के साथ छोड़ जाते हैं, और तब से कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली वो टुगेदर इकट्ठे ही रह रहे हैं। वो अब उनको सुबह मॉर्निंग में उठाती हैं, खुशवंत सिंह को, उनको स्कूल के लिए रेडी करती हैं, ठीक है। शी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस होता है बोरिंग, ठीक है। और सुबह सुबह वो हर रोज़ जो है अपनी जो प्रेयर हैं वो बोलती रहती हैं और उनको रेडी करती रहती हैं स्कूल के लिए, और वो प्रेयर जो है वो खुशवंत सिंह को मोनोटोनस लगती है, बोरिंग लगती है। अब जब वो वाइल्ड शी बेदेड एंड ड्रेस्ड मी, खुद नहाती हैं और खुशवंत सिंह को ड्रेसअप करती हैं इन द होप दैट ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो जानबूझ के वो प्रेयर थोड़ी ज़ोर से बोलती हैं ताकि खुशवंत सिंह भी उस प्रेयर को सुने और सुन सुन के उसे बाय हार्ट लर्न कर ले, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है, जैसे हम छोटी क्लासेस में ड्रिल टेक्निक कराते हैं, टीचर बोलता है, बच्चा पीछे पीछे बोलता है और उसको सीख जाता है, इन अ सिमिलर वे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। अब खुशवंत सिंह कहते हैं, पूरे चैप्टर में आई वर्ड खुशवंत सिंह के लिए यूज़ हुआ है, तो वो कहते हैं कि मैं वो सारी उनकी प्रेयर सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, लेकिन वो कहते हैं मैंने कभी चिंता नहीं की, बॉदर यानी कभी भी कष्ट ऐसा नहीं किया, एफर्ट नहीं किया कि मैं उस प्रेयर को लर्न कर लूँ। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. अब उन दिनों में notebooks नहीं चलती थी स्कूलों में, उन दिनों में एक wooden slate होती थी लंबी सी, ठीक है, उसको उसके ऊपर लिखा जाता था ink के साथ, और ink pot और जो pen जिसको कलम कहते थे उसको लेके जाना पड़ता था साथ में, उसके ऊपर लिखते होते थे, फिर घर आके उससे अपना सारा homework learn करके और उसको wash कर देते थे, और उसके ऊपर एक प्लास्टर ऑफ येलो चौक यानी कि एक मिट्टी होती है जिसको पंजाबी में गाचनी मिट्टी बोलते हैं, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो मुल्तानी मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी का जो लेप है वो उसके ऊपर लगा देते थे ताकि वो पूरी वुडन स्लेट दोबारा से लिखने लायक हो जाए, साफ हो जाए। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन यानी मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट होता था, एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल। रेड पेन का मतलब ये नहीं कि वो रेड कलर का चलता था, वो सिर्फ उसकी बॉडी रेड कलर की थी, उसको इंक में डिप कर करके लिखते थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ उनकी ग्रैनी एक बंडल में बांध के उनको दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब ब्रेकफास्ट क्या था उनका, थिक मोटी स्टेल, स्टेल होता है बासी यानी एक रात पहले की चपाती जो थी वो, उसके ऊपर बटर और शुगर डाल के उसको गर्म करके खाते थे स्कूल से पहले, ठीक है। तो देन शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर विलेज डॉग, और बहुत, और जब वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी तो ढेर सारी स्टेल यानी बासी चपातियाँ जो एक रात पहले की बनी होती थी, पहले वो दोनों खुद खाते थे उसको गर्म करके, उसके ऊपर बटर और शुगर लगा के, और बची हुई चपातियाँ वो साथ लेके जाती थी और उनके गाँव के जो डॉग्स होते थे उनको वो डाल देती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ ऑलवेज वेंट टू स्कूल, उनके साथ स्कूल जाती थी, और स्कूल के बिल्कुल साथ ही टेम्पल था, ठीक है। अब प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब उन दिनों में जो प्रीस्ट हुआ करते थे, स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मतलब स्कूल टेम्पल के साथ ही अटैच था, और जो टेम्पल के प्रीस्ट हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, वही पढ़ाया करते थे, ठीक है, जैसे मदरसों में पढ़ाते वही पढ़ाते थे, तो वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब जब कहते कि बच्चों को रोज़ में बिठा दिया जाता था, लाइन्स में बिठा दिया जाता था वेरेंडा में, दोनों वेरेंडा की दोनों साइड वो अपने अल्फ़ाबेट्स को कोरस में गाते थे, जैसे छोटे बच्चे गाते हैं, ठीक है, जब टीचर बोलता है तो उसके पीछे पीछे सारे बच्चे बोलते हैं। और कहते उतनी देर में मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो वहीं बैठती थी और वहाँ बैठ के होली बुक्स यानी स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स जो हैं वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब दोनों, वो कहते मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता था, वो भी अपनी होली बुक्स पढ़ लेती थी, तो इकट्ठे हम घर वापस चले जाते थे।
अब कहते कि इस बार जब हम वापस जाते थे तो जो विलेज डॉग थे वो हमें कहाँ मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, टेम्पल के डोर पे मिलते थे, और वो हमें घर तक फॉलो करते थे, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। ठीक है, ग्राउलिंग इज होता है गुर्राना, जो डॉग्स गुर्राते हैं उनकी जो वॉइस होती है, ठीक है, गुस्से में, तो वो ग्रॉल करते हैं, फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ग्रैनी जो है वो उनको वो चपातीज देती है, तो वो चपातीज के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस का मतलब होता है मैसेज भेजना। तो अब कहते हैं जब पेरेंट्स सिटी में, शहर में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजा, और वो मैसेज कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट होता है जब आपकी लाइफ एक दिशा में चल रही है और उसके बाद वो एकदम से टर्न होके बिल्कुल ही उसकी जो दिशा है, जो सिनेरियो है, जो आपके कंडीशंस है, वो बदल जाएं। अब वो कहते हैं कि अब ये जो मेरी फ्रेंडशिप थी मेरी ग्रैनी के साथ, ये उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो कहते चाहे कि, ऑल दो मीन्स चाहे कि हम एक रूम शेयर करते थे, मेरी ग्रैंड मदर जो है, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे ग्रैनी उसके साथ नहीं जा सकती। तो वो बताते हैं कि वो एक अब शहर के एक इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए इन मोटर बस, बस में जाते हैं, और रास्ते में कोई डॉग्स नहीं है स्ट्रीट में, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। अब वो घर पे ही रहती हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, घर में जो स्पैरोज हैं उनके कोड़ियाड़ में जो आती हैं, कोड़ियाड़ हम घर के आंगन को बोलते हैं पंजाबी में, हम इसे वेड़ा बोलते हैं, कोई भी ऐसा एरिया जिसके ऊपर छत नहीं होती है, खुला एरिया, ठीक है, वहाँ पे स्पैरोज आनी स्टार्ट होती हैं और वो उनको वहाँ पे फीड करना स्टार्ट करती हैं जो उनका सिटी वाला घर है वहाँ पे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब कहते जैसे जैसे साल आगे बढ़ने लगे, यानी समय निकलने लगा, खुशवंत सिंह बड़े होने लगे, ईयर्स रोल्ड बाय का मतलब समय आगे चलता चला, तो कहते अब हमारी जो फ्रेंडशिप है उसमें थोड़ा सा गैप आना स्टार्ट हुआ, अब हम एक दूसरे से इतनी बात नहीं करते, इतना मिलते नहीं हैं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अब कहते कुछ समय तक तो वो मुझे सुबह उठाती, वेक मी अप, और स्कूल के लिए रेडी भी करती जब मैं शहर में था, और मुझे ये भी पूछती कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, और कहते कि मैं उन्हें बताता इंग्लिश के वर्ड्स और छोटी चीज़ें, जो थोड़ी जो भी चीज़ें वेस्टर्न साइंस की उन्होंने सीखी, जो भी लर्निंग की, जो भी इंग्लिश वर्ड सीखे, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा, आर्चिमिडीज जो प्रिंसिपल है वो सीखा, द वर्ल्ड बीइंग राउंड की दुनिया गोल है, ये सारा कुछ कहते मैं उन्हें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, और वो ना खुश हो जाती इस सारी चीज़ों से। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो उन्हें इन सारी चीज़ों की कोई समझ नहीं है, वो खुशवंत सिंह की कोई हेल्प नहीं कर सकती उनके लेसन्स में। अब शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब वो इस बात से डिस्ट्रेस होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, बिल्कुल खुश नहीं होती, उन्हें लगता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सारी साइंटिफिक चीज़ें तो सिखाई जा रही हैं लेकिन भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स के बारे में कोई भी नॉलेज जो है वो दी नहीं जा रही। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। वो कहते एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें आज म्यूजिक क्लास लेकर गए थे और म्यूजिक सिखाया गया, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था जो म्यूजिक है दैट इज़ ल्यूड एसोसिएशन, कि ये एक इनडिसेंट चीज़ है, इसको इनडिसेंट लोगों के साथ जोड़ा जाता था, कि जो इनडिसेंट लोग हैं या जो गलियों में मांगने वगैरह आते हैं, जो बैगर्स हैं, सिर्फ वही म्यूज़िक बजाते हैं या सीखते हैं। ल्यूड इज़ इनडिसेंट, इस वर्ड का मतलब है इनडिसेंट, ठीक है, कि ये एक रिस्पेक्टेबल काम नहीं है म्यूज़िक सीखना। इट वॉज़ द मोनोपली ऑफ हारलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्लॉक। तो कहते ये माना जाता था कि ये हारलॉट्स और बैगर्स की ही मोनोपली है। मोनोपली होता है जब आपका किसी एक चीज़ के ऊपर किसी एक पर्सन या एक कंपनी का पूरा कब्जा हो जाए, कोई कैप मतलब पूरा व्हाट नॉट अ कब्जा, आई वुड से कि एक पर्सन के हाथ में सारी भागदौड़ हो किसी चीज़ की, या एक कंपनी ही जो है डोमिनेट करती हो उस चीज़ को, उसको हम मोनोपली कहते हैं। तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि या तो बैगर्स जो गलियों में आते हैं वो म्यूज़िक चलाते हैं, या हारलॉट्स यानी जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वो म्यूज़िक, उनका म्यूज़िक उनका काम है, ठीक है, एक जेंटल यानी कि एक इज़्ज़तदार जो लोग हैं उनका ये काम नहीं है। तो उनको ग्रैनी को बहुत बुरा लगता है कि इनमें म्यूज़िक के लेसन्स दिए जा रहे हैं, तो वो एक कंजर्वेटिव माइंड है, थिंकिंग है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। नाउ शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। कहते हैं वो बोलती तो नहीं है आगे से कुछ भी कि तुम्हें क्यों सिखाया गया, क्यों हुआ, कुछ भी येल नहीं करती, चुप हो जाती हैं, जिससे खुशवंत सिंह को पता चल जाता है कि इस बात के लिए वो उनका डिसअप्रूवल है, वो इस बात से अग्री नहीं करती कि म्यूज़िक जो है वो एक जेंटल फॉक, एक इज़्ज़तदार घर के बच्चों को सिखाना चाहिए।
अब कहते हैं कि शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने, वो कहते हैं इस बात के बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत रेयर कर दिया, यानी बहुत कम कर दिया। अब कहते हैं जब व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, ठीक है, एंड द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। कहते जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मेरे पास अपना खुद का एक प्रॉपर कमरा आ गया और हमारी जो फ्रेंडशिप है उसमें जो सबसे बड़ा गैप आया, कॉमन लिंक था जो फ्रेंडशिप में, वो स्नैप्ड, वो छीन लिया गया एक तरह से, ठीक है, वो छीना मतलब नेचुरली छीना गया, किसी ने उसको प्लानिंग करके नहीं किया, ठीक है। सो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन होता है अकेलापन, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस विद रेजिग्नेशन, मतलब कि हार मान जाना एक तरह से। यहाँ पे ये मतलब है कि उन्होंने इसका कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने वो जो सॉलिट्यूड उनके हिस्से आया था, वो जो अकेलापन आया था, वो खुशवंत सिंह के से अलग हुई एक तरह से, उसको उन्होंने चुपचाप से मान लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। स्पिनिंग व्हील यहाँ चरखे को बोला गया, चरखा हम सबको पता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो अपना स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा सारा टाइम चलाती रहती हैं, किसी से कोई बात नहीं करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सारा दिन कहते चरखा चलाती रहती हैं और अपनी प्रेयर्स को गाती रहती हैं, रिसाइट करती रहती हैं अपनी प्रेयर्स को। कहते वो सिर्फ आफ्टरनून में रिलैक्स करती हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, और उस टाइम पे वो जो स्पैरोज आती हैं उनको फीड करती हैं। While she sat in the veranda breaking the breads into the little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. अब कहते कि वो वेरेंडा में बैठ के जो ब्रेड है उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ती हैं। यहाँ ब्रेड का मतलब एक्चुअल वो इंग्लिश ब्रेड नहीं है, यहाँ ब्रेड का मतलब रोटी है, ठीक है। तो रोटी को वो छोटे छोटे पीसीज में तोड़ती हैं और बर्ड्स जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वो कहते हमारे कोर्टयार्ड में आ जाते हैं उस रोटी को खाने के लिए, veritable bedlam of chirping, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वहाँ पे होता क्या है, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, यानी कि जब वो आती हैं तो बेडलैम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना, बहुत कंफ्यूजन वाला शोर शराबा होना जिसमें समझ ही ना आना कौन क्या बोल रहा है। चर्पिंग्स हम चिड़िया की जो आवाज़ होती है, जो बर्ड्स की आवाज़ होती है, उसके लिए हम बर्ड चर्पिंग्स यूज़ करते हैं। वेरिटेबल मीन्स नॉट इमेजिनेटिव, वेरिटेबल मीन्स बहुत ज़्यादा जो लाउड एंड क्लियर क्योस है, जो उनकी चर्पिंग्स की आवाज़ है चिड़ियों की। अगर हम इसे सीधा लें तो हम इसे कह सकते हैं स्पैरोज की जो क्योटिक साउंड वॉइस है वो उनके पूरे घर में सुनाई देती है, ठीक है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। अब बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, पर्च मीन्स टू सिट ओवर देयर, ठीक है, उनके ऊपर आके बैठ जाती हैं बहुत सारी जो उनकी लेग्स के ऊपर, खुशवंत सिंह की ग्रैनी के लेग्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, इवन उनके हेड के ऊपर आकर बहुत सारी जो स्पैरोज हैं वो बैठती हैं, ठीक है, पर्च करती हैं उनके हेड के ऊपर, लेग्स के ऊपर, यानी रेस्ट करती हैं। फाइन, रेस्ट करने के लिए उनकी लेग्स पे बैठ जाती हैं, उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती हैं, उनके सिर पे बैठ जाती हैं, और वो सिर्फ स्माइल करती हैं। वो उन्हें ज़रा भी शूट देम अवे, शूट देम अवे इज़ दैट शुक देम अवे, कि उनको उड़ाती नहीं है वहाँ से, ठीक है, उनको वहाँ से भगाती नहीं है, वो बिल्कुल भी उनके साथ गुस्सा नहीं होती हैं, वो इस चीज़ को वेलकम करती हैं। शी यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट, इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशी भरा वो पल होता था उनके लिए, वो जो आधा घंटा वो स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी। नाउ अब खुशवंत सिंह ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएंगे अपनी आगे की स्टडी के लिए, और कहते उन्हें श्योर था कि उनकी ग्रैंड मदर इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, क्योंकि वो 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एट हर एज वन कुड नेवर टेल का मतलब ये है कि उनकी इतनी ज़्यादा एज हो चुकी थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो आज हैं या कल नहीं होंगी, ठीक है, मतलब उनकी डेथ कभी भी हो सकती है, वो इतनी एजड हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जब खुशवंत सिंह वापस आएंगे तो वो होंगी या नहीं होंगी। वन कुड नेवर टेल ही मीन्स उस एज में कोई बता नहीं सकता कि ये पर्सन और कितनी ज़्यादा इसकी एज हो सकती है, ठीक है, हम मतलब डाउटफुल रहते हैं उस पर्सन की एज को लेके। सो वो कहते हैं कि जो मेरी बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटीमेंटल, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो नॉर्मल थी, वो ज़रा भी सेंटीमेंटल भी नहीं हुई इस बात को लेके, मीन्स कि वो ज़रा भी इमोशनल तक नहीं होती हैं, सेंटीमेंटल नहीं होती हैं इस बात पे कि खुशवंत सिंह जो हैं अब्रॉड जा रहे हैं, जबकि खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी इस बात पर। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ठीक है, कहते रेलवे स्टेशन वो मुझे छोड़ने आई लेकिन ना तो वो रोई
ना उन्होंने मुझसे कोई बात की, उनके लिप्स हमेशा की तरह प्रेयर में ही हिल रहे थे। वो प्रेयर कर रही थी, वो अपने माइंड में प्रेयर में ही गुम हुई हुई थी, अपना पाठ कर रही थी। उनकी फिंगर्स जो हैं उस माला के मनके जो हैं, जो उसके बीड्स हैं, उन पे ही लगे हुए थे, जप रही थी वो अपनी माला पे। साइलेंटली बड़े आराम से कहते उन्होंने मेरा फोरहेड जो है उसके ऊपर एक किस किया, और आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और वो कहते जब मैं वहाँ से जाने लगा तो उनका जो मॉइस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट है, जो उन्होंने उसके फोरहेड पे किस की है, उसका जो एक गीलापन है, कहते वो हल्का सा जो मेरे माथे के ऊपर आया, मुझे लगा कि ये हम दोनों के बीच का आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट है। 5 साल के बाद पता नहीं वो होंगी कि नहीं होंगी, मैं कभी उन्हें मिल पाऊँगा कि नहीं मिल पाऊँगा, बस मैं इसी बात को चेरिश करूँगा, इसी बात को मैं याद करूँगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन कहते ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब मैं 5 साल के बाद आया तो वो उन्हें लेने कहाँ रेलवे स्टेशन पर आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और कहते एक दिन भी और वो बूढ़ी नहीं लग रही थी। अब हम यहाँ वापस ऊपर एक लाइन है उस पर आते हैं जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस एज में वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। बट माई ग्रैंड मदर कुड का मतलब है कि खुशवंत सिंह को तो लग रहा था 5 साल के बाद वो शायद नहीं होंगी, वो ऑलरेडी इतनी बूढ़ी हैं, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ये 5 साल सर्वाइव कर जाती हैं और उन्हें रेलवे स्टेशन वापस लेने आती हैं, और एक दिन भी और बूढ़ी नहीं लग रही होती, वैसी ही लग रही होती हैं जैसी हमेशा थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग अ प्रेयर। अब वो कहते अभी भी वो कुछ नहीं बोली, नो टाइम फॉर वर्ड्स मीन्स बोलने में ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ भी बात नहीं की, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। क्लैप्स मी इन हर आर्म्स मीन्स गले लगा लिया, और कहते जब गले लगाया तब भी मैं मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो प्रेयर्स बोल रही हैं, पाठ कर रही हैं, हर टाइम अपना पाठ करती रहती थी। और कहते जिस दिन इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर फिल्ड विद हर स्पैरोज। और कहते पहले दिन भी जब मैं आया तो वो उनकी दिन का सबसे हैप्पी मोमेंट वही था, वो जो अपनी स्पैरोज के साथ थी, उनको फीड करती थी। फेड वर्ड फीड वर्ड से बना है, ठीक है, खाना देना, फीड का मतलब उनको खाना दे रही हैं। फेड लॉन्गर, थोड़े लंबे समय के लिए अब उनके साथ रहती हैं। विद फ्रेवलस रिब्यूक्स, फ्रेवलस रिब्यूक्स होता है हल्की फुल्की झिड़कें लगाना, स्कॉल्ड करना रिब्यूक का मतलब है, लेकिन हल्का फुल्का प्यार प्यार से, ठीक है। फ्रेवलस मीन्स प्यार प्यार से, लाइट रिब्यूक्स करना, लाइट स्कॉल्ड करना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को नहीं डांटना, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वेमेन ऑफ द नोवो नेबरहुड। अब कहते इवनिंग में क्या हुआ कि एक चेंज खुशवंत सिंह कहते मुझे पहली बार देखने को मिला कि उन्होंने अपनी प्रेयर्स जो हैं वो नहीं की, रादर उन्होंने आस पड़ोस की सारी जो विमेन थी उनको इकट्ठा किया, एक पुराना ढोलक लिया और उसे बजाना और गाना गाना स्टार्ट कर दिया, और बहुत घंटों तक वो उसे थम करती रही, यानी बजाती रही उसको, ढोलक को बजाती रही, ठीक है। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है फॉलिंग इंटू पीसेस, बहुत पुराना जो ड्रम है उसकी जो स्किन है सैग कर रही, यानी ढीली हुई हुई है स्किन, जिसके ऊपर मार के उसको बजाया जाता है, यानी ढोलक की दोनों साइडें जिस जहाँ स्किन होती है जहाँ उसको मार के बजाया जाता है वो डिलेपिडेटेड ड्रम है, यानी कि बहुत पुराना ड्रम है। सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और वहाँ पर वो ऐसे गाने उसको बजा बजा के घंटों तक गली की औरतों के साथ गा रही हैं जैसे कि कोई सोल्जर वॉर से वापस आया होता है, ठीक है। तो वो ये गाने खुशवंत सिंह के आने की खुशी में गा रही हैं। नाउ वी हैड टू परस्यू हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, वो कहते हैं कि हमें उन्हें समझाना पड़ा, परस्यू होता है किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करना, तो कहते हमें उन्हें समझाना पड़ा कि बस अब वो ये गाना बजाना बंद करें, इससे उन्हें ओवरस्ट्रेनिंग हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, वो टायर्ड हो जाएंगी। तो कहते ये पहला टाइम था सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो कहते पहली बार वो कहते मैंने लाइफ में देखा था कि जब उसने अपनी प्रेयर्स छोड़ी हैं और प्रेयर्स छोड़ के कोई और काम किया है। अब अगली मॉर्निंग कहते वो बीमार हो गई, ठीक है, शी वॉज टेकन इल। पहले तो उन्हें माइल्ड फीवर हुआ, यानी कि हल्का फीवर हो गया, और उन्हें डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि ये जो फीवर है ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन कहते मेरी ग्रैंड मदर जो है उनकी थिंकिंग डिफरेंट थी, डॉक्टर के साथ मैच नहीं हो रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कहते उन्होंने पहले ही बता दिया कि अब वो दुनिया से जाने वाली हैं। सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ऑमिटेड टू प्रे, अब कहते कुछ ही घंटे पहले जब उनकी डेथ होने वाली थी
तो उन्होंने प्रे करना ओमिट कर दिया. ओमिट होता है किसी चीज़ को डिसअपियर करना, वैनिश करना या छोड़ देना. तो उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. ठीक है, लेकिन अब वो बाकी का टाइम जो वेस्ट करने वाली नहीं थी हमसे बातें करने में. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. अब कहते हमने प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसा कुछ ना करें, आप सिर्फ आराम करें, लेकिन कहते उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया. ले होता है लेट जाना. पीसफुली कहते वो अपने बेड पे भी लेट गई, प्रेयर करती रही, ठीक है, और अपनी माला जो है उसको फेरती रही. फाइन. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. अब कहते कि हमें सस्पेक्ट होता है शक होना. कहते हमें अभी हम सोचते या यहाँ पे इसका मतलब है एक्सपेक्ट करते कि उन्हें कुछ हो, उससे पहले ही उनकी लिप्स की जो मूवमेंट है वो बंद हो गई और जो माला है उनके हाथों से गिर गई. लाइफलेस फिंगर्स मीन्स अब उनके हाथों में जान नहीं रही, लाइफलेस फिंगर्स जो हैं उनसे माला गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. ठीक है, कहते हैं कि पैलर इज़ अ पेल कलर जो फेस के ऊपर आ जाता है उसको बोलते हैं इट्स अ पेल कलर. वो कहते हैं वो पूरा उनके फेस के ऊपर फैल गया जो कलर था, मतलब जो एक अनहेल्दीनेस शो करता है वैसा वाला पीला रंग उनके फेस के ऊपर फैल गया. और कहते हमें समझ आ गई कि अब उनकी जो है डेथ हो चुकी है. वो कहते हमने उन्हें उनके बेड से उठाया, जो कि एक कस्टम है. ठीक है, डेड बॉडी जो होती है उसे बेड पे नहीं रहने देते, कस्टम है, एक रिवाज है. और उन्हें ज़मीन पे लेटा दिया और उन्हें कवर कर दिया एक रेड कलर के श्राउड से. श्राउड हम कफन को बोलते हैं, रेड कलर का जो कफन है, कपड़ा है, उससे उन्हें कवर कर दिया. और फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग वर्ड होता है किसी की डेथ के ऊपर अफसोस करने को बोलते हैं. ठीक है, इसमें मॉर्निंग और मॉर्निंग में सिर्फ यू का ही फ़र्क है. सो कहते कि लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. अब कहते कि हमने उन्हें उनका जो फ्यूनरल यानी दाह संस्कार करना है उसके लिए हम उन्हें वहाँ रख के अरेंजमेंट्स के लिए चले गए. थोड़ी देर पहले बैठ के वहाँ अफसोस किया, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए कि उनका दाह संस्कार फ्यूनरल होना है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स काफ़ी सारी करनी है. सो इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, टू बी क्रिमेटेड. क्रूड स्ट्रेचर कहते स्ट्रेचर के ऊपर उन्हें डाल के. क्रूड इज विच इज मेड इन अ वेरी सिंपल वे. ठीक है, कोई बहुत हाईफाई तरह का कोई कॉफिन या वो नहीं, जैसे कि क्योंकि सिख फैमिली से हैं तो स्ट्रेचर के ऊपर उनको लेटा के वहाँ से क्रिमेशन ग्राउंड लेके गए. क्रिमेशन ग्राउंड है जहाँ पे बॉडी को जला दिया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है. टू बी क्रिमेटेड ओवर देयर. तो कहते सनसेट हो रहा था एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. कहते शाम का समय हो रहा है, सनसेट होने का टाइम हो रहा है, तो लिट हो गया उनका कमरा. पूरे कमरे में वो सनसेट की रोशनी आ गई और वेरेंडा अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. ठीक है, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट मीन द रेज ऑफ दैट गोल्डन लाइट से वो भी सारा चमकने लगा. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. कहते कोर्टयार्ड में पहुंच के आधे रास्ते में हम रुक गए. ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. अब कहते कि हज़ारों स्पैरोज जिनको वो रोज़ इतने सालों से फीड किया करती थी, वो सारी आकर उनकी लेटी हुई डेड बॉडी के पास जो स्टिफली पूरे प्रॉपरली रैप की हुई थी रेड कलर के श्राउड में, वहाँ पे आके फ्लोर पे स्कैटर हो गई. यानी स्कैटर यानी जगह जगह थाउजेंड स्पैरोज वहाँ पे बैठ गई. लेकिन अजीब बात ये थी कि इस बार स्पैरोज ज़रा भी बोलती नहीं है. नो चर्पिंग एट ऑल, बिल्कुल बात नहीं करती, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती. दे फेल्ट, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. फेल्ट सॉरी का मतलब होता है अफसोस होना. वो कहते हैं कि अब हमें उन स्पैरोज को देख के अफसोस हो रहा था. एंड माई मदर फेच दैम ब्रेड. और कहते कि मेरी जो मदर थी उन्होंने उन्हें कुछ ब्रेड्स, कुछ रोटी के टुकड़े खाने के लिए स्पैरोज को दिए, उन्हें छोटे छोटे क्रम्स यानी पीसीज में तोड़ के दिया, जैसे कि ग्रैंड मदर दिया करती थी उन्हें उनके सामने थ्रू किया. थ्रू मीन्स द वर्ड फ्रॉम थ्रो थ्रू थ्रोन. ठीक है, स्पैरोस के आगे थ्रो कर दिया. लेकिन कहते कि जो स्पैरोस थी उन्होंने उसे टच तक नहीं किया ब्रेड को. नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. बिल्कुल भी किसी स्पैरो ने उस रोटी को नहीं खाया. व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली. कहते जब हम हमारी ग्रैंड मदर की कॉप्स होते हैं डेड बॉडी को बोलते हैं, डेड बॉडी को वहाँ से लेकर गए तो सारी चिड़ियाँ जो हैं, सारी स्पैरोज हैं, चुपचाप से कहते वहाँ से उड़ गई. किसी ने ब्रेड को नहीं खाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं की,
मतलब इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सब समझते हैं, उन्हें पता चल गया था कि जो उनको फीड करने वाली मदर थी उसकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पे अफसोस किया कुछ ना खाकर और चुप रहकर। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और कहते अगले दिन घर की जो सफाई करने वाला पर्सन आता था उसने वो सारी ब्रेड सारी रोटी को उठाया, उसकी सफाई की, स्वेप्ट वर्ड स्वीप वर्ड से बना, झाड़ू लगाया, और वो पूरी रोटी जो थी जो चिड़ियों ने नहीं खाई उसे डस्टबिन में डाल दिया। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।